गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आर्ट विद्यापीठ की शिक्षिका रीता वर्मा हूँ। मैं आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगी, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और आज भी पढ़ाने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप ध्यान से बुक को देखेंगे, समझेंगे और सुनेंगे मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी का चैप्टर 10 पढ़ाने जा रही हूँ, पाठ 10। इसमें है बेटा कि पेड़ हमारे मित्र हैं, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। पेड़ हमारे मित्र हैं, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे और इससे ज्ञान अर्जित करेंगे बेटा। जितना आपको ज्ञान होगा आपके लिए लाभदायक है। तो इस ये कहानी जो है पेड़ हमारे मित्र है, ये ज्ञानवर्धक कहानी है, ताकि आपको इससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर आप इसको 10 बार पढ़ते हैं बेटा तो और ज़्यादा आपको इससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक दिन, यह है वृक्ष पर्यावरण के रखवाले, ठीक है, हैं वृक्ष क्या है, पर्यावरण के रखवाले हैं, यानी वातावरण के रखवाले हैं। पर्यावरण मीन्स वातावरण होता है, ठीक है, ओके। अब है एक दिन शाम को अनुज माँ के साथ पार्क में खेलने गया। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर तरह तरह के पौधे लगा रहे हैं, तरह तरह के पौधे लगा रहे हैं। यहाँ है हैं, तो यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह है, अनुस्वार है, हैं पर उसने तरह तरह के पौधे लगा रहे हैं, ऐसे पढ़ेंगे। फिर पूर्ण विराम का चिन्ह जरूर बोलेंगे इसको रीडिंग लगाते समय, पढ़ते समय में। उसने माँ से पूछा, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड, ये सब पौधे क्यों लगा रहे हैं। माँ ने उसे समझाया कि ये पौधे बड़े होकर बड़े बन जाएंगे। किसने समझाया, अनुज के माँ ने। पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधे से, ठीक है। सांस लेते समय हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पौधे उसका उपयोग अपना भोजन बनाने में कर लेते हैं, ठीक है, भोजन बनाने में कर लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि पेड़ पौधे के कारण ही हम जीवित हैं, पेड़ पौधे के कारण ही हम जीवित हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब है इसका सीधा अर्थ है कि पेड़ पौधे के कारण ही हम जीवित हैं। अब यहाँ देखिए, पेड़ों से हमें फल फूल अनाज दवाइयाँ आदि मिलती हैं। क्या क्या मिलती है, फल फूल अनाज और दवाइयाँ, क्या चीज़ से मिलती है, पेड़ों से। पेड़ों से प्राप्त लकड़ी का प्रयोग हम घर बनाने एवं ईंधन के रूप में जलाने के लिए करते हैं। पेड़ वर्षा में भी सहायक होते हैं, जब पानी होता है तो हम जल्दी से दौड़ के जाते हैं, पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, तो पेड़ वर्षा में भी सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती हैं, यही कारण है कि बाढ़ के समय उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बहने नहीं पाती है, ठीक है। इसको आप अच्छा से पढ़ेंगे और मात्रा का भी अपना प्रयोग करेंगे, कैसे पढ़ना है, हर सही दीर्घाई सब मात्रा का प्रयोग करते हुए इसको पढ़ेंगे आप। भेरियों एवं कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषित होती रहती है, ठीक है। पेड़ पौधे
इस प्रदूषित वायु को स्वच्छ बनाते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषित वायु को स्वच्छ बनाते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के सच्चे रखवाले हैं। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के सच्चे रखवाले हैं। फिर आइए, पेड़ों की शाखाओं पर बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। पेड़ों की शाखाओं पर बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। पेड़ों की घनी ठंडी छाँव में यात्री थकान मिटाते हैं। पेड़ के नीचे कहीं से भी धूप से चलकर या कहीं से भी बाहर से यात्री आते हैं तो अपने पेड़ के नीचे थकान मिटाते हैं। ओके, पेड़ पौधे के इतने सारे महत्व को सुनकर अनुज ने माँ से कहा, माँ मुझे भी पौधे लगाने हैं। माँ ने कहा क्यों नहीं, माँ ने कहा क्यों नहीं, पौधे लगाना तो अच्छी बात है। कल हम नर्सरी से पौधा लेकर आएंगे और अपने घर के आसपास लगाएंगे। पेड़ पौधा लगाना बहुत ही अच्छी बात है। पेड़ पौधा लगाने से बहुत सारे, सबसे पहले तो हमको ऑक्सीजन मिलती है उससे, उसके बाद बहुत सारे उसके गुण हैं पेड़ पौधे से। पेड़ से छाया भी मिलती है, पेड़ से फल फूल प्राप्त होता है, लकड़ी दवाइयाँ आदि सब कुछ प्राप्त होता है। अब जीवन मूल्य में है, पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। मैं आप लोगों से भी बेटा बोलूँगी कि पेड़ पौधा लगाना अच्छी बात है, आप भी लगाएं। हाँ, पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाएँ, उससे लाभ उठाएं। पेड़ पौधे लगाने से बहुत सारे लाभ हैं, अगर आप लगाएंगे तो उससे बहुत सारे आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ है शब्दार्थ है तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप हिंदी की कॉपी नोट, जो हिंदी की कॉपी है उसमें आप इसको शब्दार्थ को लिख कर याद करेंगे, ताकि आपके पास बहुत सारे स्टॉक हो जाएंगे। याद होते रोज जितने हम पढ़ा चुके हैं, जितना हम पढ़ा चुके हैं उसको अगर आप याद किए होइएगा और याद कीजिएगा तो आपके पास बहुत सारे स्टॉक हो जाएंगे। आप एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं तो आपको याद भी होता होगा। और मैं कहूँगी कि हिंदी की कॉपी में अवश्य नोट करें और इसको याद भी करें, दो बार तीन बार चार बार पांच बार पढ़ें, आपको याद होगी। अब यहाँ है आवश्यकता, आवश्यकता में ज़रूरत, ठीक है। प्रदूषित इसमें गंदी, ठीक है। शाखा डाली टहनी, ठीक है, शाखा उसको कहते हैं डाली और टहनी। अब यहाँ पर्यावरण, इसको वातावरण, स्वच्छ मतलब साफ। अब आप पूरे बुक को पहले पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। जब तक आप बुक को पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आप कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर कैसे देंगे बेटा। इसलिए आपको पढ़ना अति आवश्यक है। जब तक आप बुक को पांच बार छह बार याद नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप लिख भी नहीं सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं कहूँगी कि आप पेरेंट्स से सहायता अवश्य लें। अब यहाँ है अनुज माँ के साथ कहाँ गया था, इसको आपको हिंदी के कॉपी में खुद से लिखना है, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ आंसर, उसको आप हिंदी, इसको आप होमवर्क समझिए और इसको हिंदी के कॉपी में आपको खुद से बनाना है बुक पढ़ने के बाद। अनुज माँ के साथ कहाँ गया था, पार्क में, ठीक है, पार्क में घूमने गया था।
लोग पार्क में क्या कर रहे थे बेटा? पौधे लगा रहे थे। लोग पार्क में क्या कर रहे थे? पौधे लगा रहे थे। उसके बाद है गांव में पौधे से मिलने वाली चार वस्तुओं के नाम लिखिए, फल फूल दवाइयाँ अनाज। पेड़ पौधे से होने वाले अन्य दो लाभ लिखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। यात्रियों के लिए पेड़ किस प्रकार उपयोगी है? थकान मिटाने के लिए पेड़ छाया देती है। कहीं से भी थका हारा आता है यात्री या कोई भी आता है, वहाँ पेड़ की ठंडी छाँव में विश्राम करता है, इसलिए पेड़ अति आवश्यक है। अब यहाँ सही शब्द से रिक्त स्थान भरना है आपको, ठीक है? ऊपर में दिया हुआ है सही शब्द से रिक्त स्थान भरे। क्वेश्चन नंबर दो है, टू, इसमें आपको है हमें सांस लेने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑक्सीजन की, तो यहाँ क्या भरेंगे? ऑक्सीजन पढ़ेंगे पूरे सेंटेंस को। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है? फिर ख में है पेड़ पर्यावरण को स्वच्छ साफ रखते हैं, साफ या स्वच्छ साफ करते हैं, ठीक है? ग में है पेड़ पौधे के कारण ही जीवन संभव है। ओके, पेड़ वर्षा में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। पेड़ वर्षा में सहायक होते हैं। फिर पूरे सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, पेड़ वर्षा में सहायक होते हैं। अब यहाँ है समझिए और लिखिए। अब आपको समझना है और खुद से लिखना है इसको। आप पूरे क्वेश्चन आंसर से लेकर सही सब से सब कॉपी को हिंदी की कॉपी में आपको बनाना होगा। पहले लिखकर इसको क्वेश्चन आंसर तैयार करना होगा और उसके बाद सही शब्द से स्थान को भरना होगा, ठीक है? तो इसको तो मैं भर चुकी हूँ। अब एक और है, पेड़ों की पर बहुत से पशु पक्षी शाखाओं पेड़ों की शाखाओं पर बहुत से पशु पक्षी रहते थे, ठीक है? अब आइए समझिए और लिखिए। अब आपको यहाँ पर एक उदाहरण के लिए दिया हुआ है फूल, फूल का क्या हो गया? फूलो। तो यहाँ पर फल है तो फल का क्या हो जाएगा? फलो, ठीक है? पेड़ है तो पेड़ का क्या हो जाएगा? पेड़ो। घर है, घर का क्या हो जाएगा? घरो, ठीक है? अनाज का क्या हो जाएगा? अनाजो। अब यहाँ पत्ती पत्तियाँ दिया हुआ है, डाली का क्या हो जाएगा? डालियाँ। यहाँ चंद्रबिंदु हो जाएगा। गाड़ी का गाड़ियाँ। चिमनी का चिमनियाँ। टहनी के टहनियाँ। ओके, ऐसे करके आप हिंदी की कॉपी में बनाएंगे। अब देखिए ये चित्र है। अब यहाँ है ऊपर में निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें, ठीक है? अब वर्षा, इसको भी आप होमवर्क बनाइएगा। होमवर्क में मैं बता दे रही हूँ, ऐसे आपको सेंटेंस बनाना होगा हिंदी की कॉपी में। आज बहुत तेज वर्षा हो रही है, ठीक है? वर्षा का हो गया, पेड़ हमारे लिए अति आवश्यक है। जीवन, मेरा जीवन बहुत ही सुंदर है या बहुत ही कीमती है, ठीक है? कुछ भी बना सकते हैं, मेरा जीवन बहुत सुंदर है। अब यहाँ है सोचिए और कीजिए। अब आपको सोचना है और करना है, ठीक है?
इसको आपको मिलाना है। तो इस ये भी आप कर सकते हैं, बुक में पहले बुक में मिलाइएगा, उसके बाद हिंदी की कॉपी में मिलाइएगा। तो इसको आपको फूल है तो फूल से मिलाना है, फल है तो फल से मिलाना है, डाली को डाली से मिलाना है, और जड़ को जड़ से मिलाना है, तना को तना से मिलाना है। ठीक है, अब देखिए अब इसको आपको मिलाना है। ये आम है, आम से नारियल, नारियल केला, केला ओके, थैंक यू, गुड डे।